6,44,00,000 रुपया को गबन है वो सामने आया। किंगा 4 लाख है, किंगा 5 लाख है, किंगा 2 लाख है, जो भी 50 लाख रुपया जमा कराया। अब मैं क्या लगा के बात मुड़ के मारा दर्शनी को दे ना मारे नेड़े लागे कोई की रिस्पांसिबिलिटी है पी सांगी जी की। मैं तो मारी सहकारिता विभाग और बैंक ने माना जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं कौन छोड़े जी बिल्कुल। वीर भार्गव नाम हुआ है वो मेरे क्लास फेलो ही रेड है। आ चीज सोची कोनी भी मैं के करना आ रही हूं। अब मान जरूरत पड़ी रपियांगी जद मैं निकलवाना आया जद यहां का काल आईयो परसों आईयो जकी बच्चियां शादी के लायक है बांगी एठ एफडी है 10-10 लाख की 5-5 लाख की तो बे माँ बाप आज भटकता फिर है गालियां देता फिर है दोनों परिवार ने। सुधीर अंकल जी है जी का मारा घर का कन्ने ही रहनी आदमी है बहुत अच्छा इंसान है बेबी। आज भी मतलब की नहीं सोचा नहीं तो भी सोच कौन सका की कौन कर सका कौन कर सका या कभी कौन सोच सका। राजकुमारी नहीं चुनो लगा दिया नरेगा का मजदूर है तो मान लो जवाब दे रखे तो की कौन मार के खर्चे ठीक है ब्याहड़िया बाद सीजन बाद करनो हो जी मैंने ब्याह करनो हां वे 3 लाख जमा करेडा बे तो थे अठ गया थारा ब्याह क्यों किया करेगा माता जी थोनू किने दा लगाया चुना थोनू दा ओ नहीं मेरा पोतरा है पैसे पक्के करदा बिंगो नाम कोई भी लेन लाग रियो कोनिया मिट्टी के सागे मिट्टी हो गए है जो 1-1 रुपया करके जीवन भर की पूंजी आपकी जमा करवाई 9.5 लाख है 9.5 लाख को के साथ चीटिंग कर दी वो पैसा बैंक की ब्रांच में तो जमा कराया नहीं खुद ही खुद वोट कर दिया। और अध्यक्ष पर भी है अध्यक्ष वो नाम भी है पूर्व अध्यक्ष 5 मिनट बाद में कॉल करूँ। हनुमानगढ़ जिला के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर 6,44,00,000 रुपया को गबन है वो सामने आया। व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक के ऊपर है गबन को आरोप है। जितना लोग अड़े देख लग रहे हो बिना ज्यादा लगभग गांव का जितना भी बाशिंदा है जितना भी निवासी है सारा का रुपया है एक अंदर आगे एक तरीके वहीं केस का गबन हो चुके हो। गाँव का ने जब पता लगे बी के बाद के अंदर एक एक करके गाँव में पूरा गाँव में बात फैल गई और जो व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक का आ चीज है जो अटाऊ बंद कर दी। बी के बाद के अंदर अभी की है जो जांच भी होगा लाग रही है और गाँव के लोगों के अंदर आक्रोश है जीवन की पूंजी है ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर जमा करी ही और अब भी पूंजी को कोई धनी दौड़ी को नहीं आगे पूंजी की आवेगी क्या को नहीं आवे सारी की सारी गांव का लोग खड़े आऊ जानांगा पूरे प्रकरण के है कौन है व्यवस्थापक कौन है सह व्यवस्थापक और ए लोग यहाँ क्यों करे और बड़ा बड़ा जो ग्रामीण है बाकी जीवन भर की पूंजी ने यहाँ मतलब एक तरीके नटवर लाल बन के है बाकी सारी की सारी जो जमा पूंजी ही 6,44,00,000 रुपया बिंग सागे एक तरीके वे यहाँ मान लो चाहे डकार मार गया। तो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखे और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। थारू के नाम भाई थारा कितने जमा मेरा 2.5 लाख थोड़ा सा 2.5 लाख ऊपर है कब जमा कराया थे 2-3 साल हो गया चलता नहीं 2-3 साल हो गया तो थाने मतलब कौन कहो बैंक भी है थे बैंक ने छोड़ के क्या मैं जमा कराया आज सोसाइटी बढ़िया चल रही जी लोगों का पैसा टाइम पे टाइम देती जी मैं क्या अभी बढ़िया मिनी बैंक को जुड़ रही है सरकारी संस्था है माना ही पता को नहीं अभी यही सरकारी को नहीं आ इन खातर मैं लोग जमा कराता जी अब पता लग गया जब हमारा पैसा डूब गया जाना पता लग गया अभी सरकारी संस्था को नहीं आ एक प्राइवेट संस्था है जी क्या हमारा पैसा सारा डूब रहा है लोगों का किंगा 4 लाख है किंगा 5 लाख है किंगा 2 लाख है जो भी कुल मिला के 6,44,00,000 का जो गबन है ये दोनों ने मिलकर किया जी मतलब प्रारंभिक तौर पर बता दूं अभी तक 6,44,00,000 रुपया गबन सामने आया वो गबन और भी हो सका उसका 6 की जगह 12 उसका 12 का 15 उसका जी रतनपुरा सोसाइटी के अंदर करोड़ों को घोटाले हो बिया ही 8 भी उसका क्योंकि अभी 6,44,00,000 रुपया की जो प्रारंभिक तौर के ऊपर जानकारी है बस सामने आई है। थारो के नाम मेरो रोहतास जांदू है नाम जो गबन करणीय है सह व्यवस्थापक बे है सुनील जांदू और थारो नाम रोहतास जांदू मतलब परिवार में एक थारे हां जी है तो परिवार में जी शर्म की बात है बात ने सुनता हुए परंतु सुनील जांदू के पिताजी भी मैंने कहो कह पीस अठ जमा करा दे मैं बांगे बात में आ गयो मैं अठ पीस जमा कराया अब मैं जमीन को सौदो करण खातिर सुनील के पिताजी के हरिभक्त नाम है बोलियो कह बेटा तू कठी ना करा पैसे पैसा जमा तू अठ जमा करा दे तेरा जी काट के तेरी जमीन ले ली 50 लाख के अंदर कोई ब्याज भी बताओगे साल को ब्याज ज्यादा है सागे तो ब्याज साल को 5-6% बताया जी के हां जी हां जी मैं अब थेरेपी निकलवाना आया कद मैं जी मान लियो 26-27 तारीख की बात है जी 7 महीने की तो मेरे अठे जमीन को सौदो हो मैं वो सौदो करी 5 लाख रुपया साहिब भी दे गया है बने तो बे मारे रिश्तेदारी में है बे बोलिया के थे सारा रुपया लियो ए मैं थाने रजिस्ट्री करा देंगा मैं अठा आयो तो आगे मैंने सुनील मिलियो सुनील ने मैं के भाई वाउचर बन मैंने पैसा चाहिए जब बोलियो भाई जी वाउचर कौन थे ना हो मैंने पासे लेके गयो सुनील के भाई जी पैसा तने मैं जमीन बेच के दे दिया हमारी यहां देते हैं भैया मैं के तेरी जमीन मैं क्या बिकाऊं भाई मैंने तो मेरे पैसा
चाहिए भाई, जब यहाँ करे फिर इतने अठा दो चार लोग और आ गया, वहां भी मेरा आ गया, वही अठा तो लेना है भाई, रुपया तो एक आ गया, मैंने यहाँ करके भाई बात को विदाउट होने लगे तो थोड़ा, फिर मैं सुनील ने थोड़ा सो क्यों मेरे को कई बात है सुनील, मैंने यहाँ क्या कह लोग जब फिर एक दो जना हो रहा है वहां भी सुनील ने थोड़ा सो ऊंचो नीचो भी लियो, तो फिर मैंने थोड़ा शक पूरा हो गया भाई, पीसा तो उठाऊ खज गया यानी कि गबन हो गया, तो यहाँ करके मेरे साथ मेरा भी रुपया सारा सारा गबन कर लिया, 50 लाख रुपया था गबन, रुपया मेरा गबन कर चुके हैं मेरे बच्चा, मेरी 5.5 बीघा जमीन ही मेरे दादे की देनी, भाई में मेरी सारी सारी बेच के मैं सौदो करियो, मैं पास है जमीन लेवो बैठे मेरा रोड़ा वेदा सो रहे था, मैं चलो मैं मेरी इज्जत की रोटी खाना वाला मुझे, मैं कोई सब ऐसा घर में तो नहीं है, बताओ जंदू जी अब थारी जो जीवन भर की पूंजी है एक तरीके मतलब डकार मतलब कोई धनी दोरी बनी हो के कोई जो उच्च अधिकारी आया गया है क्या मैं देवगा रुपया और कराऊ कोई प्रकार को अठा अधिकारी आया जी मैं अब आई कहने ला रहा मान तो आश्वासन दिया क्या मैं देवा जरूर परंतु आगे मान लो प्रॉपर्टी रुपये सारी जब्त करके भी बात देवा, तो मेरे मतलब आगी प्रॉपर्टी के भाई मैं तो सहकारी समिति के अंदर जमा कराया, मैं तो आदमी ने व्यक्ति विशेष ने थोड़ी कराया, सहकारी समिति में देख के बांगे काल ना बांगे पल्ले तो काल ना 2 रुपया ही ना होए, बांगे पल्ले तो काल ना कुछ होवे ही नहीं, बांगी चीज रिकवर करके किया देश का रुपया साहब माने आई बात के ला चोइला वाली गांव के अंदर गबन होयो पीएनबी बैंक के अंदर, बैंक जवाबदार है बैंक देव को सारा ने रुपया, तो भैया तो सहकारी समिति देवगी, मैं सरकार हूं आई अपील करा साहब भाई माने मारी रकम मिलनी चाहिए, नहीं मारे तो जीवन भर की पूंजी ले गया, अब मैं क्या कह लागा के बात, मैं सरकार आज अपील आई करा मैं माने मारा पीस मिलना चाहिए, बताओ रतनपुरा के अंदर जो सहकारी समिति में गबन होयो करोड़ों को भी मैं गांव का लोगों ने मिलिया ने रुपया, हां जी मिले, हां जी कह तो है जी कोई धनी दौड़ी तो बने देने को नहीं जी, अभी कुछ नहीं मिला उनकी आज ही अखबार में आई है वो उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश दिए हैं, अभी तक किसी को कुछ पैसा नहीं मिला, कुर्क की बात करो भाई साहब कल नागला के पल्ला संपत्ति हो ना 10x10 को प्लाट हो तो भी संपत्ति में 6,44,00,000 रुपया भुगतान किया हो जाएगा, कोई नहीं हुआ जी कोई उसके आंगन मुश्किल एक आदमी कोई नहीं होगा, आंगन सारी संपत्ति भी जोड़ लेंगे तो 2 करोड़ ऊपर कौन बना जी, जो को राजस्थान वो सहकार मंत्री है, सहकार मंत्री मुख्यमंत्री वह खुद इन माँ अपन सहायता देवे तो ही संभव हो सके, नहीं कौन संभव है, ऐसे देखा लग रहे हो गांव का लोग है सारा का सारा, इन्हें महिला खड़ी इन्हें पुरुष खड़े आंख सबका सागर घोटालो हो चुके हैं, और भी गांव का बहुत सा लोग है जो इन्हें बिना गेड़े अभी तक पूछ कौन पाया, थारो के नाम है ताऊ जी, साहब राम, साहब राम, साहब राम, ताऊ जी थाना भी चुनो लगा दिए, 50 लाख लगा गया मेरे तो, थाना 50 लाख को चुनो लगा, रोहतास मेरा लड़को है, ए रोहतास जी थारा, अच्छा ए थारा पिताजी है, तो बाबा एक ही बात होगी तो 50 लाख को चुनो ताऊ जी, अब क्या करेगा भरपाई खटुआ होगा रुपया, अब माने के आगन तो के तो है कौन, अब सरकार माने देवे तो मुझे मारी भरपाई नहीं तो कौन, ताऊ जी एक बात है चलो मैं थाने ये कहना कौन चाहूँ थे दुनिया देखी है भाई, बैंक और इस सहकारी समिति में थे मतलब फर्क जमा ही कौन देखे, इतना भी अड़े जमा करा दिया, ये चीज को आप ज्ञान हुआ तो मैं अठे क्यों हुआ, माने कोई ज्ञान को नहीं हो और सागा अपना ही थे भी आप गए अपना के घोटाला तो थे तो मानस देखे हो गांव को है, हाँ गांव का है और परिवार का है, एक बार दस देखो है वो ही परिवार को है कृष्ण नाम है, तो परिवार का है थारी कोई बातचीत हुई के बंगे साहब घर गया थे और गया मुड़ के मारा दर्शन ही कौन देना है मारे नेड़े लागे कोई, मैं एक चीज अभी सुनी बे मतलब अभी क्या पुलिस मारो के पाट ले सी मैं तो जमाने तो जाऊंगा, कौन बोले बात कौन बताओ हाँ। मैं आज जी बया मान लो दोनों यहाँ कहे भाई पुलिस मारो के करे मैं तो चौथे दिन जमानत करा के बाहर आ जावांगा, मारो की कौन बिगड़ा कह के मैं यहाँ कर दिया भी यहाँ कर दिया रुपया देने की कोई यहाँ कौन भरन ला रहे हो अठे, मैं सरकार हूँ चाहूँ भाई माने मारा रुपया मिलना चाहिए सरकार हूँ, विनोद नेहरा, विनोद जी थाने कितना को लागे चुनो, मने चुनो लागे जी मेरा बड़ी भाई साहब है बंग नाम 6 लाख की एफडी है, एक छोटा सा भाई साहब बंग नाम है 6 लाख की एफडी बंग नाम है और एक छोटो भाई है जिसका नाम 4 लाख की है, तो कुल मिला के मेरे परिवार 16-16 लाख रुपया चुनो लाग गयो जी माने, हाँ जी लेकिन मेज की चीज है बा मार्क ने मतलब इनकी कॉपी भी है ओरिजिनल मिनी बैंक की, मार्क ने सहकारिता विभाग की जिकी कॉपी है बा भी है और एफडी जिकी है भी मैं जमा करके मारी जिकी सेविंग में बचत बैंक में जमा करके फिर माने एफडी दी है, एफडी पर सीरियल नंबर है जका बैंक हनुमानगढ़ जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वहाँ जका लॉन्च करेड़ा है नंबर है वह नंबर है वहाँ सीरियल की एफडी आई है और फिर अठे बा एफडी है बैका जी ओरिजिनल है अंग दोनों का साइन है विद मोर है जी अडमिनी बैंक सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति तलवाड़ा झील की और मारी जकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पी सांगी जकी मैं तो मारी सहकारिता विभाग और ये बैंक ने माना जी केंद्रीय सहकारी बैंक की कमेटी है जी, मैं कोई प्राइवेट आदमी नहीं पीसो कौन दियो ना मैं अंग अंग्रेजा के पीसो दे गया मैं तो बैंक ने माना और गाँव में जी है बूढ़िया बडेरा सारा जगह है सहकारिता हूँ जुड़ेड़ा अपन खाद बीज अठे मिलते हर चीज़ अठे मिलती और वो एक मतलब मारे गाँव को बैंक की मानता मैं तो और बैंक है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी सहकारिता
का विभाग की, और ओ मारो एक एक रुपये आना चाहिए हर गरीब को, किसान को। बहुत लोग ही सहकारिता विभाग जुड़े है, मिनी बैंक जुड़े है हर गाँव के अंदर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं जी, बिल्कुल मंदिर की एक जी कमेटी बनी है मस्जिद की, अपने मुसलमान भाइयों की कमेटी बनाई है युवा की, जो भी मैं कोई मतलब विकास कार्य वगैरह कराना है तो बंग हटा खातो वो पीसो भी जो अंग सागे खाई जगह मंदिर गुरुद्वारा को भी बिल्कुल बिल्कुल खाई जगह जी। एक जो है वो जो को सुधीर भार्गव नाम हुआ है वो मेरे क्लास फेलो भी रेड है, लेकिन बन बिल्कुल कतई आ चीज सोची को नहीं भी है मैं के करना आ रही हूँ कठे के हिसाब किताब फील ही को नहीं होती कभी, और बहुत बढ़िया मतलब एक मानस तरीके हुए पेश आया गाँव में, और आगे लोकल लेनदानियाँ भी जिया मतलब लोगों ने चेक दे रखे है, और प्लाट वगैरह भी यहाँ खरीद रखे है, यहाँ बिजनेस वगैरह भी करी हुए इन्हें भी ने प्राइवेट कंपनियों के अंदर, और गाँव ने मतलब कि यहाँ पूरा को पूरा कोई गरीब अमीर मोटो छोटो कोई मतलब की को नहीं देखे वहाँ जबकि बच्चियाँ शादी के लायक है बांगी हेठा एफ डी है 10-10 लाख की 5-5 लाख की, तो बह माँ बाप आज भटकता फिर है गाड़ियाँ देता फिर है दोनों परिवार ने, और मतलब ना बन सोचियो भी मैं कोई बढ़िया घर हूँ पैदा हो कोई बढ़िया है तरीका हूँ, और ना अन सोचियो भी मैं आज मैंने कहीं हेठे लगायो मैंने रोटी के लायक समझो, और मैं मेरी 20,000 या 10,000 की जी नौकरी अभी हूँ टाइम पास कर रही हूँ, लेकिन हाँ जी बहुत गलत करी हुआ गाँव का साग है, और गाँव ही बात पर एक है, एक एक रुपया को हिसाब में ले सियाँ, और मैं बैंक नू ले सियाँ सहकारिता विभाग नू ले सियाँ, और थारक नू थे भी मीडिया वाला हमारी मदद करो ई बात ने मतलब चप्पे चप्पे तक पुकाओ भी यहाँ दोनों साथी रहूँ बच्चे लोग। तो गाँव की लेडीज आऊँ बात करांगा आने आगे सागे भी गबन हुए और आने भी चुनो लगे थारू के नाम है प्रियंका थाने भी चुनो लगाए होगी हाँ जी लगाए हुए हैं कितना रुपया का थाने 3,77,000 को 3,77,000 हाँ जी एफ डी करवाई की हाँ एफ डी करवाई दी है आज से 10 साल पहले ही करवाई दी है एफ डी साल पहले करवाई हाँ तो थे मतलब थाने पतो कद लगे हो मतलब आई तरीके की बात अब मान जरूरत पड़ी रखेंगी जब मैं निकलवाना आया जब यहाँ का काल आई हो परसों आई हो जद करके फिर मानिया चक्कर कटवान था अच्छा कद आया कद थे कद गया रुपया निकलवाने अभी 6-7 महीना के अंदर है अब बोलिया जद का काल आई हो परसों आई हो यहाँ कह के मान टाल दियो अब हाँ अब मान रुपये की जरूरत है मैं पढ़न भी लाग रही हूँ तो मान रुपये की जरूरत है फिर भी मान मिलन कौन लाग रहे अभी तक कोई सहायता कौन मिली है अभी तक तो थाने जब आया जब थे हटे तो थाने भी टाइम डाउट को नहीं है कि भाई भाई यहाँ टाल मटोल कर लाग रहे हैं टाल मटोल क्यों कर लाग रहे हैं कभी डाउट को नहीं हो हमेशा जमा करवा देता कभी 2,000 करवाता रिन्यू वगैरह करवाता कभी एक्स्ट्रा होता तो करवा देता भी यहाँ कभी यहाँ कौन डाउट हो कि बिल्कुल मतलब कि आठे ही रहना और आठे ही सब कुछ करना तो भी कभी डाउट को नहीं हो माने इस चीज़ को अब बाद में पता चाले जब निकलवाया फिर गांव का 4-5 आदमी और इकट्ठा होया जब मान पता चाले कि वो गबन की शिकायत बताने लाग रहे आठे थे आठा आता प्रियंका जी थाना अंग नेचर हूं कदे नेचर किसो को आंगो कदे लागे नेचर बहुत अच्छा है नेचर की कदी यहां कौन कह सका कि गलत है नेचर नहीं नेचर अच्छो ही आन को मतलब बीच चीज ने कदे या डाउट होयो को डाउट कदी कोनी है मैं भी सुधीर अंकल जी है जी का मारा घर का कन्ने ही रहनी आदमी है बहुत अच्छा इंसान है बेबी आज भी मतलब कि नहीं सोचा नहीं तो भी सोच कौन सका कि कौन कर सका या कदी कौन सोच सका चलो जी थारो के ना माता जी राजकुमारी राजकुमारी तो राजकुमारी नहीं चुनो लगा दियो तो राजकुमारी ने चुनो लगा दियो 7,07,00,000 को जमा कराया थे मैं तो जो मैं मास्टर जी गुजरे अभी पहली गई ठीक राम थी मैं बोले आठ नेड़ा तेरे में तो दूर जाए कौन है बैंक कौन गया नेड़ा के लालच में अटक कराता हां तो मैं आप ही ठीक करा दिन था मैं ही ठीक रहने लागी पोती घर में दोनों को चल है अच्छा पोती दो एफटी है लाख लाख की कोई धनी दौड़ी बने होगी रुपया देना को अब कोई कौन मने तो फिर क्या होगा रुपया अब थे बताओ मन के ठा इन चीज को सरकार के मांग करो थे भी सरकार दे सके माने हां तो मान लो जवाब दे रखे के मार कर तो की कौन मार के कर से ठीक है बिल्कुल तो देख ला रहे हो मारी कैद करा दे के मैं तो छूट गया जहां बोथा के कैद करा दे छूट गया जहां हां छूट गया जहां तो ऐसा है देख ला रहे हो थे गांव का लोग है बड़ा बड़ा लोग है माता जी राजकुमारी जी नाम है ईसा जितना भी लगभग खड़े सबके साथ चुनो थारो के नाम माता जी आगे नाम है थारो सरोज थे माता प्रियंका की है या माता जी कदी डाउट ही को नहीं मतलब ये तरीका को चल आंगनवाड़ी में तो आती जानती 12 बजे तक 2 बजे तक रहता मतलब अच्छा। तो कोई यहाँ कोई पता कौन नहीं हो जब कुछ पैसा की जरूरत पड़ती निकलवा के ले जाता देता भी निकाल के देता पर एफ डी को जी यहाँ कर रखे अभी सब जिया साल होगी तो रिन्यू करवा लेता जी से इस तरह पैसा करवाए जमा तो माता जी रुपया क्या होगा तारा अब तो देखो अब सहकार समिति और मुख्यमंत्री जी कुछ करेगा तो से होगा जो जो भी मिलेगा तो गांव का लोग कब लग रहा है कोई उच्च अधिकारी है या मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर कोई सहयोग करोगे तो ही रुपया होगा वरना रुपया कोई धनी धोरी कोई नहीं थारो के नाम माता जी बनारसी थाने बनारसी जी कितना रुपया छोड़ गया 20,000 कितना 20,000 रुपया कब जमा कराया 10,000 तो 2 महीना पहले कराया 10,000
शुरू ही पहले अपने नरेगा का काम चला था, जब काफी हमारी इसकी बनी हुई थी। अच्छा अच्छा, फिर कभी 1000 गेरे, कभी 500 गेरे। देख ला रहे थे नरेगा का मजदूर है, बताना चाहूंगा मैं, बहुत सा नरेगा का मजदूर है जो सुबह शाम नरेगा में जा जाके है, 200 रुपया दिहाड़िया ने मिले शाम ने, और जो आपको जीवन भर की कुछ पूंजी जमा कर करके अड़े सहकारी बैंक है जो अठे जमा कराई, और बिना भी एक तरीकों पाइया केस का चुनो लगा दियो, और एक परिवार के अंदर शादी भी, हाँ परिवार के घर शादी ही, और शादी का रुपया निकलवाना आया तो आने जवाब पता लगे होगा बैंक के अंदर गबन हो गया, अब शादी किया करा के ना मतलब जी। शकुंतला है, पति है कौन जी? शकुंतला जी थाने कद बेरो पड़े हो, ये बात कही कर क्या बात होगी जी? मैंने तो बेरो जद पड़े हो 10-15 दिन हो गया, जद मैं तो जन्म लाग रहा बाहर खेती बाड़ी करा दिया तो पोखरा, जद मैं तो घर रहता को नहीं, जब बेरो लग गया जद आया मैं एफटी देखा उन्होंने के भाई आज देवा कल देवा आज देवा कल देवा जी, मैं पीसो पीसो करके मेरी बच्चियां को दोवा को करे हो जी, पीसो पीसो चंदो गेर कर मेरे टाबड़ा इकट्ठा करके दिया। कितने रुपया जमा कराए थे? 1,00,000 रुपया छोड़िया का, 1,00,000 मेरा, 1,00,000 छोड़िया का, 1,00,000 थारा, 2,00,000 हाँ। दो तीन लाख हो गया, 3,00,000 रुपया हो गया। ब्याह कद को? ब्याह आड़िया बाद सीजन बाद करनो हो जी मने। अच्छा ब्याह करनो हाँ। अबे 3,00,000 जमा करेडा बे तो थे अठे गया थारा, ब्याह किया करेगा माता जी? अब देखो जी सरकार में ता कराए तो मारा हो जाएगी जी, सरकार ना कराए तो सहायता के फिर तो क्या कैसे? बिल्कुल देख लग रहे हो, गरीब परिवार है आपकी बेटी के ब्याह खातर रुपया जमा करके पूंजी जमा करके अड़े जमा कराई, बन भी कौन बख्से हो, तो इस चीज़ से साफ जाहिर हो सके मतलब गबन कितो ज्यादा है, ना गांव का ना छोटा ना बक्से हो ना बड़ा ना बक्से हो, लगभग थारो के नाम है ताऊ जी? विरसा सिंह। थोनू किन्ने दा लगाया चुना? 2,00,000 दा। 2,00,000 दा? कदो जमा कराए सी तुसी? मैं तो कई साल हो गए, अगे तो अगे कराई जाना हाँ, वैसे पिछले महीने की 5वें 6वें दी तरीक 25-26 नू कराए पिछले साल दे। कम की करदे हो तुसी? जिमीदारा। अच्छा जिमीदार। 2,00,000 दा? एक मिनट, अगले साल 25-26 नू एफडी पूरी होने वाली सी, मैं इवें कराई जाना कभी साल की, कहते दादा तू दादा जाना हूं सधीर क जो मर्जी लै जी, ऐतकी मैं आख्या मैनू दई तो आंदा दे दूंगा गर्मिया च, मुड़ के मुक दी गल आज सर जदों पिंड च डाका लोग आते पै गया दिन ही, मैं क्या वो कड़ा डाका होंगे जो दिन पै गया तो फलाने ने लुट लिया, हूँ चेयरमैन डाका पै गया दिन ही पे लुट लिया, दिन लुटे गए गवंढिया नहीं लुटे थोनू तो नहीं, मेरा पोतरा है हालांकि मैं विरसा सिंह हूँ, सरदार विरसा सिंह है, वो बाहर गोवा उम्र के लिहाज ना प्यो मैंने गुआढ़ी ने थोड़े गुआढ़ी ने तो प्यो चाचा आंदा है जो मेरा पोतरा है जरा जिन्हें लुटिया खबर ची दे पलमान सी गुआंढ मथा आ, बाकी मेनू तो ए कोई निंगी भी पैसे रुक जाएंगे, मेरा ख्याल है पैसे आने कृष्ण दा दादा पड़दादा भरा ने बैठा है बने चौधरी 50,00,000 वाला, कृष्ण दा नाम कोई नहीं लिंदा, कृष्ण कुमार सन ओ बदरी राम 11 तो लैके 21-22 ताईं वो प्रधान रहा, ओदे टाइम च डाका वज्जा। मेरे क्यों मार रहे हो तुसी? मैं की तैनू समझाउणा आ, समझ ला, पैसे पक्के करदा, जदों तुसी उहनूं पुछोगे सदोगे इंटरव्यू लओगे जदों होगा सारा कुछ, प्रेम दी थापी है तैनूं ओवें गुस्सा ना करी, थापी तां प्रेम दी है पर जो जोर सीगा थापी ते जोर सीगा, नहीं नहीं तू बच्चा है प्रेम दी थापी आ, जदों ओ तलबिया जाऊगा इहदे च होर भी लोग तलबे जाणगे बाहर दे भी बंदे आउणगे, हुण सारे लोग ते सारिआं दे आ इहां करा दिओ जी पियां करा दिओ करा दिओ, बागड़ी तां मैं भी बड़ी बोलण जाणदा, ओ इधर चौधरी उहदे नाल मैं पहली च पढ़दा रहा सन 56 तों लैके 58 तक, बिंगो नाम कोई भी लैण लाग रहे हो कोनी, आ औरतां मैं कियां को लिया, बांह लियो आ लियो लियो अगे प्रधान को मैं लियो ठोके नाम, अच्छा लियूं क्यों को नहीं, खून तो सारा का पी गयो, अरे हड्डियां बची है मेरी हड्डियां को पोके कर सी भी हड्डियां ही रही है बाकी हड्डियां को की कौन कर सके? बिल्कुल बिल्कुल की कौन कर सके, तो देख देखा ला रहा गांव का लोग गांव कहना है मिली भगत है जो बहुत ज्यादा बताओ ला रहे गांव का लोग, कड़ियों कड़ी जुड़ेगी की जांच होनी चाहिए, और एक बात आप ये अंदर कोई मुकदमा वगैरह की प्रकार का कोई दर्ज को नहीं है, कोई कानूनी मुकदमा दर्ज होने के बाद के अंदर फिलहाल अरे जो पिचपन की जो जाँच है बट हुआ लग रही है पिचपन की जाँच बाद के अंदर पता लाग पाओगे। हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति है, 10 साल बीजेपी का राज रहा है, तो एक कार्य चेयरमैन हमारे गांव का ही कृष्ण जांदू था और हम उसने चुना इसलिए क्योंकि हमारे गांव का सदस्य था और उसी ने ही हमारे गांव में इतना घोटाला कराया है और उसके अलावा कोई नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे 80,000 रुपये 36,000 रुपये में चावल लगा के अभी जाम जमा करें हाँ चावल लगा रहे। गरीब मजदूर जो मिट्टी के जगह मिट्टी हो गए है, जो एक एक रुपया करके जीवन भर की पूंजी आपकी जमा करवाई जमा कराई,
मेरा तो बिमला कौर है। अच्छा थाना की तरफ लाग गयो माता जी चुनो साढ़े नौ लाख साढ़े नौ लाख को सासू को नाम है सासू को आ गया अच्छा हो गया चार पाँच साल चार पाँच साल फिर थोड़ा 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 करके जमा करवाया है तो देख ला रहे हो साढ़े नौ लाख को आना भी चुनो लाग चुके है 80,000 को पढ़ना यहाँ कर करके अभी तक 6,44,00,000 रुपया गबन है प्रारंभिक तौर पर सामने आए और ये गबन है वो भी और बड़ा गो 6,44,00,000 तो अभी सामने आ चुके हैं अभी और भी बहुत सा लोग अभी सामने आवेगा। थारो के नाम है थारा की तरफिया 3,00,000 खुला खाते में 3,00,000 भी है 4,50,000 बुढ़िया नाम से कराया नाम पर कराया परमजीत नाम अच्छा गवर्नमेंट दवावे पिंड दे करन साडे वर सहायता फिर साडे आणगे हैं साडे पर कदे सोचा सी कि एदा दा कम हो जू इत्थे असीं सोचदे ते फिर असीं कहां तो करा दे इत्थे हैं जे असीं सोच ही लैंदे ते इत्थे फिर तक्के खान नूं खावा करदे जे इत्थे 100 सिटी खवलाई ते किसे तौर ते खुली है ते अज साडी कोई सहायता ना करे ते फिर इत्थे चल जाऊगे कदे ना असीं चलण देवांगे। बिल्कुल देख ला रहे हो गांव का लोग कहणो अगर सहायता ना करी गई तो आज ग्राम सेवा सहकारी समिति इने चलण कोंदे एक अब आप सहकारी समिति के कन पहुंच चुके हैं अठे तालो लाग रहे हैं बड़ो बड़ो और तालो ही गांव का लोगों की मायूसी को कारण है ये तो बड़ो तालो देख देख के गांव का लोग परेशान हुआ तो आखिर करके पढ़ के बता दूं थान तलवाड़ा झील ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड तलवाड़ा झील NCDC के सहयोग द्वारा वर्ष 2015-16 में 100 MT निर्मित गोदाम एवं कार्यालय भवन का लोकार्पण माननीय श्री कृष्ण कड़वा विधायक संगरिया कृष्ण कड़वा जी विधायक हुए करता बीटम संगरिया का और रविंद्र राज पुरोहित RCS प्रबंध निदेशक हनुमानगढ़ केंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड एवं श्री सुल्तान सिंह बेनीवाल उप रजिस्ट्रार्ड सहकारी समिति हनुमानगढ़ मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा 14-10-2015 ने को शुभारंभ करेगी। अध्यक्ष है कृष्ण कुमार जांदू एवं समस्त संचालक मंडल सदस्य सुधीर कुमार मुख्य कार्यकारी। ताला है मोटा मोटा लाग चुका है एक तालो इन्हें लाग चुके है और एक मोटो तालो इन्हें लाग चुके है जो गांव के लोगों की मायूसी का कारण है वो अगर तालो अगर खुलियो वगैरह हुआ तो आप बातचीत भी कर ले अंदर जिन्हें ऊपर आरोप लग रहा है लेकिन जी पर आरोप लग रहे हैं ना तो अटे है ना वे किन्ने है कि नहीं बंग सके बातचीत करता तो वो पूरा प्रकरण तलवाड़ा झील के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर जो 6,44,00,000 रुपया को भोला वाला गांव के लोगों के साथ गबन को मामलो है वो सामने आयो है। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो MD है वहाँ का नंबर आप लिए वहाँ बातचीत करांगा जानांगा पूरा प्रकरण आखिर है के और फोन लगा रही हूँ बने में मनोज कुमार मानांगो नाम है MD है। हेलो MD साहब नमस्कार। MD साहब झलको हनुमानगढ़ चैनल से बात कर रहा हूँ। MD साहब तलवाड़ा झील आया था गांव में ग्रामीणों ने बुलाया था न्यूज कवर करने के लिए। MD साहब क्या प्रकरण क्या है ये 6,44,00,000 रुपए का घोटाला? ये प्रकरण ये है कि समिति में कोई एक सहायक व्यवस्थापक था एक व्यवस्थापक था जी तलवाड़ा झील ग्राम सेवा सहकारी समिति है ना और इन्होंने ग्रामीण जन जो इनके पास FD अमानत जमा कराई थी वो इन्होंने इनके साथ चीटिंग कर दी वो पैसा बैंक की ब्रांच में तो जमा कराया नहीं खुद ही खुद कर दी। अच्छा वो जो मतलब जो व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक ने अच्छा अच्छा तो MD साहब इसके अंदर ग्रामीणों के 6,44,00,000 रुपए जैसे ग्रामीणों का बोलना है ग्रामीणों ने तो जमा करवाए थे सहकारी समिति में अब वो सहकारी समिति में कार्य करते थे नुमाइंदे तो सहकारी समिति के थे तो इसमें सहकारी समिति पे नहीं करेगी ग्रामीणों को कुछ? नहीं सहकारी समिति में कैसे करेगी तो वो पैसे ही ये व्यवस्थापकों ने खुद उठ कर दिए तो पे तो कैसे करेगी। नहीं अगर ग्रामीणों के पास कोई रसीद हो कुछ सहकारी समिति की? नहीं नहीं उसमें क्या है कि उसमें जो अपने राजस्थान सहकारी एक्ट 2001 है ना उसमें प्रोविजन है इनको निलंबित कर दिया इनकी जो संपत्तियां थी उनको कुर्क करने की कार्रवाई करी जा रही उनकी नीलामी करके और फिर ग्रामीणों को भुगतान होगा। सही बिल्कुल बिल्कुल MD साहब आपकी बात तो मैं समझ गया कुर्क करके नीलामी होगी क्षमा के लिए प्रार्थी हूँ लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है आप बोल रहे हो कि उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके नीलामी करके और फिर ग्रामीणों को पेमेंट की जाएगी अभी तक 6,44,00,000 रुपए का गबन सामने आ चुका है और उम्मीद है ये गबन और भी बढ़ेगा और जो आरोपी जिनको आपने निलंबित किया दो आरोपी उनके पास पोज करिए अगर 1,00,00,000 की संपत्ति भी ना हो उनके पास है खुद के नाम के क्योंकि नियम ये भी है खुद के नाम की संपत्ति ही कुर्क होती है सही बोल रहा हूँ? नाम की संपत्ति नहीं वो तो पेरेंटल संपत्ति भी तो आएगी ना उसमें। अच्छा अच्छा पैतृक संपत्ति तो भी आएगी और भी खर्च की जाएगी। तो MD साहब इसके अंदर एक छोटा सा सवाल था मेरा इसके अंदर अगर जो जिनको आपने दो आरोपी इसमें बताए जाए निलंबित किया अगर उनके पास 6,44,00,000 की प्रॉपर्टी ही ना हुई तो फिर ग्रामीणों को कैसे भुगतान होगा? नहीं वो तो इनके पास संपत्ति है ना एक की तो जमीन ही है साढ़े पांच बीघा और दूसरे का एक प्लॉट है जो उसका पेरेंटल संपत्ति उसको कुर्क करने की कार्रवाई जारी है
जी 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 तो मतलब ग्रामीणों का भुगतान हो जाएगा? बिल्कुल 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 रतनपुरा में होता है। थैंक यू एमडी साहब, इसी के लिए फोन किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा प्रकरण के अंदर जो सह व्यवस्थापक सुनील जांदू पर जो आरोप लगाया है ग्रामीणा जो निलंबित होया बस अभी आप बात करांगा सुनील जांदू और बंगो के कहना है पूरा मामला में घंटी जावा लग रही है सुनील जांदू। हेलो क्या हाल है सुनील जी? बढ़िया जलकों बोलूँ आशू पहचान लिया खड़े हो सुनील जी? सुनील जी आयो मैं तलवाड़ा आयो तारा गांव का अंदर ग्रामीण बुलाये हो न्यूज वगैरह बनाने आयो मैं के मामलो हाँ सोसाइटी आ रही है नहीं भाई जी निकले बताओ के अंदर आरोप थार पर और व्यवस्थापक पर और एक सह व्यवस्थापक थे हो गया सह व्यवस्थापक थे हो गया और व्यवस्थापक पर आरोप लग रहे 6,44,00,000 रुपया को और अध्यक्ष पर भी है अध्यक्ष वो नाम भी है पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार जांदू मतलब तीन जना पर है तो अब थे निलंबित हो गया भाई तो सुनील जी के अंदर थोड़ो थे थारो पक्ष बताना चाहोगा मतलब किया मतलब थे अगर कुछ आपको फेवर ले बताना चाहो तो कुछ मैं 5 मिनट बाद में कॉल करूं देख लियो लाइन पर है मेरे के वीडियो बना लाग रही है सागे सागे रिकॉर्ड चला लाग रही है सागे सागे बता देता अभी ओके अब लाइव चला ला रही है रिकॉर्डिंग होगा लाग रही है सागे सागे मोबाइल पर जब बता रहे हो थाना मैं अच्छा मतलब थारो कहना वो है क्या थारो कहना वो है अध्यक्ष और व्यवस्थापक लेके गया रुपया लेकिन गाँव का लोग नहीं सुनील जी अब एक चीज एक सवाल अंतिम सवाल मेरे वो भी है सुनील जी गांव का लोग कहे क्या मतलब थे बा नहीं या कहे हो कि थे मेरो के पाड़ लेगा थे मेरो के पट लेगा मैं तो जमानत पर दोबारा आ जाऊंगा हाँ गांव का लोग बता रहे भाई साहब अच्छा व्यवस्थापक कही होगा अच्छा अच्छा चलो जी सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद थे थारो थारू बात करी है तो आज जो चीज रिकॉर्ड हो लग रही है सागे सागे कल ना थाने मतलब थे यहाँ ना समझो कि भाई एक तरफा चाल गई और कल ना थे सोचो कि मेरी गलती ना हुई अंदर रोड ना हुआ जब थार खातिर थारू बात करी है और सारी की सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है और टीवी पर चलेगी ठीक है ठीक है जी तो जो सह व्यवस्थापक है सुनील जांदू बंग सागे बात होगी अब जो व्यवस्थापक है सुरदीप भार्गव बंग सागे पर बात कर लग रहे हैं जावा को लाग रही नंबर को पर एक बार फिर प्रयास कर दें नोट अवेलेबल बतावा लाग रहे तो भी मतलब आंसर के बात को नहीं हो पाओगे तो अभी जो सुनील जांदू जो कृष्ण चेयरमैन के बारे के अंदर जो बात करी आप बंगा नंबर ले लिया आऊँ बात करांगा कृष्ण चेयरमैन घंटी घंटी जावा लाग रही है कृष्ण जी चेयरमैन की आऊँ जानूंगा सारों को सारो प्रकरण फोन काटा लाग रहा है दो बार काट चुके हैं कृष्ण चेयरमैन शायद आंगन ट्रू कलर पर चल गया होगा फोन नंबर आंगन वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति तरीके राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में दड़े बेल आइकन का बटन दबा दे और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो हर गांव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इस नंबर पर थे हमारे फोन करो मैसेज करो मैं थारा गांव में पूछूंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा